Hey you guys, welcome back to my channel. It's me Rachita and you're watching That Glam Girl Rachita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the videos, you get notified and you can watch my videos. So guys, let's quickly straight dive into the vlog. So आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने बहुत दिनों के बाद. बहुत दिनों के बाद नहीं, हम लोग फोन पे बात करते रहते हैं. बीच में मिले भी थे बट उसको बहुत सारे महीने हो गए हैं. फेस टू फेस मिलना, ढेर सारी बातें करना, ओ गॉड आई एम मिसिंग हर सो मच. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, आज मैं चलती हूँ उससे मिलने के लिए. उससे पहले सोचा कि आपको बता दूं कि मेरी जो ग्लोइंग स्किन का राज है वो क्या है, क्योंकि अभी जो वेदर चल रहा है ना, उस वेदर में जैसे ही हम अपना फेस धोते हैं या कोई भी क्रीम लगाते हैं ना, फेस इतना चिपचिप हो जाता है और बड़ी इरिटेशन हो जाती है. और अगर मैं बात करूं किचन इंग्रेडिएंट्स की, तो उनको लगाना इतना भी आसान नहीं होता. आसान होता है बट थोड़ा ना हमें आलस आ जाता है. स्वेदर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो आप मलाई लगा लो, हनी लगा लो, बट अगेन आप सोचोगे मलाई हनी अगेन चिपचिप, क्या बात कर रही हो आप, हमको नहीं लगाना ये सब. बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके अंदर है मलाई और हनी विदाउट एनी चिपचिप, आई एम श्योर डेफिनेटली आप उसको ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने भी उसको ट्राई किया, लगाया और सच मानो इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है. और मलाई और हनी के जो गुण है ना वो मुझे मिल गए, और चिपचिप तो आप देख ही नहीं सकते. मेरे स्किन पे बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है और मेकअप ही ना इतना अच्छा ग्लोई हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. गाइस, मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये है मामाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इसके साथ में मिलता है नरिशिंग ग्लो एंड ट्रस्ट मी, इतना अच्छा असर कर रहा है ना ये मेरी स्किन के ऊपर. मतलब अभी तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं पहले वॉश करती थी ना अपना फेस, इतना खींचा लगता था, बट अगर मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती थी तो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता था, क्योंकि आपको पता है वेदर कैसा है, बहुत ही वियर्ड सा वेदर है. इसमें हमें ना तो ड्राइनेस चाहिए होती है ना ही वो चिपचिप. बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया ना, मेरी सारी प्रॉब्लम चली गई. एंड वाई ओनली मामाअर्थ, क्योंकि आपको पता है कि ये मेड से सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स. और ये जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स है ना, ये मेरी स्किन के ऊपर असर बहुत अच्छा करके आए. आपके ऊपर भी लाएंगे क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, हर वेदर में चलेगा और इस वेदर के लिए तो ये एकदम परफेक्ट. और हनी और मलाई के जो अच्छी प्रॉपर्टीज है ना वो हमें मिल जाती है विदाउट एनी चिपचिप. मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे, पर्पल पे एंड मामाअर्थ की वेबसाइट पे और इनकी ऐप पे. बट अब तो गाइज मामाअर्थ के ऑफलाइन स्टोर्स भी आ गए हैं और मैंने पर्सनली काफी सारे स्टोर्स देखे हैं नियर बाई. बट अगर आपको भी कोई नियर बाई स्टोर दिखता है ना ऑफलाइन स्टोर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. अगर आप बाय करते हो ना मेरे दिए हुए कूपन कोड से, तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट. एंड आई एम श्योर बाय तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि इस वेदर में मेरी नहीं आपकी और हम सबकी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस और खिंची स्किन. तो बाय कर ही लो, इसको यूज करना. और साथ ही साथ ना इसको बाय करने के लिए मामाअर्थ की वेबसाइट पे और मामाअर्थ की ऐप पे आप यूज कर सकते हो मेरा कोड GLAMG2023. स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पूरी डिटेल दिया आपको कि कैसे डिस्काउंट को वेल कर सकते हो. गाइस, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, फटाफट से डू चेक इट नाउ. मेन इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स तो मैंने आपको बताई दिया कि हनी और मलाई है, जो हमारी स्किन को ना बहुत ही अच्छा नरिशिंग और हेल्दी ग्लो लेकर आते हैं बिना चिपचिप के. मामाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी टाइप का ना कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है ये. यू नो व्हाट गाइस, व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. और मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना. सो आप भी इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हो. अगर आप मामाअर्थ का ऐप यूज करते हो ना, कुछ भी चीजें बाय करते हो, तो आपको ना अर्ली एक्सेस मिल जाता है. जो भी ऑनगोइंग सेल्स होती है, अपकमिंग सेल्स का भी आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आप ऐप से ही ले सकते हो. गाइस, फटाफट से डाउनलोड कर लो. इसका भी लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. मुझसे पूछो ना कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप क्या करती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है फेस वॉश. आप भी वही करते होंगे. बट जैसे ही हम फेस वॉश कर लेते हैं ना, इतनी ज्यादा खिंची स्किन हो जाती है ना कि इरिटेशन हो जाती है, लगता है कि पहले ठीक था. मतलब फेस तो वॉश करना ही नहीं चाहिए था, बट बिना फेस वॉश के कैसे ही हम अपना स्किन केयर कर सकते हैं. एकदम सही फेस वॉश का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके फेस को क्लीन भी करे, जिन्हें भी डर्ट है आपकी फेस के ऊपर से वो सब निकाल दे, बट बिल्कुल भी आपकी स्किन को ना ड्राई ना करे, मॉइस्चराइज करे, नरिश करे विदाउट एनी चिपचिप. जब भी मैं ये हनी मलाई वाला मामाअर्थ का फेस वॉश यूज करती हूँ ना, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, बिल्कुल बिना खिंची मेरी स्किन फील नहीं होती. पहले बहुत ज्यादा खिंचाव होता था मुझे इस एरिया में, तो लगता था फटाफट से जाऊं कोई ना कोई अच्छी सी एकदम जो स्टिकी वाली क्रीम होती है ना वो लगा लूं, क्योंकि इतना ज्यादा खींचता था. बट अगेन स्टिकी क्रीम लगाने से क्या होता है, आपको पिंपल्स आने का भी टेंशन हो जाता है कि यार गर्मी में कैसे आप लगा सकते हो, फिर स्वेट भी बहुत आता है, बड़ी इरिटेशन हो जाती है. जो हनी एंड मलाई है ना, वो तो बहुत पुराना किचन इंग्रेडिएंट है हमारा, जिसको हम यूज कर सकते हैं और वो हमारे फेस को बहुत अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। टेक्सचर भी ना बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत हल्की हल्की अच्छी सी फोम आती है इसमें और उसी से आप अपना अच्छे से फेस क्लीन कर सकते हो। और हनी ना बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्यूरिफाई कर देता है और मलाई आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और प्लम बनाती है। बेश आप पोस्ट फेस वॉश, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना हमारे स्किन केयर में, वो होता है मॉइस्चराइजेशन। उसके लिए भी ममार्थ के पास है सोल्यूशन मॉइस्चराइजेशन का, क्योंकि ये है ममार्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो की आपको नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, बट बिल्कुल चिपचिपा नहीं करता है। साथ ही साथ एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। इसके अलावा ना हमें कुछ भी और लगाने की जरूरत फील ही नहीं होती है। ये जो हनी मलाई फेस वॉश और हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ना, ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ममाअर्थ की और मुझे इतने पसंद आ रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि इसके अलावा इस सीजन में मैं शायद ही कुछ और यूज कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी परफेक्ट, इतना बैलेंस है ना इनका फॉर्मुलेशन कि बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मुझे ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है, मुझे ना अभी स्वेट आ रहा है, मुझे पोंछना, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा ना अच्छी और खिली खिली स्किन मेरी फील हो रही है। इसका नाम है ना ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, तो बिल्कुल इसमें ऐसा ऑयली वाली कोई चीज नहीं है, फॉर्मुलेशन ऐसा नहीं है कि आपको चिपचिपा लगे, बट आपको मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है, आपको अपनी स्किन खिंची खिंची नहीं लगती है। अभी ना मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टचअप करूंगी और उसके बाद ड्रेस चेंज करके मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। और आप क्या करोगे, एक काम करते हैं साथ में चलते हैं, मैं आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। रेडी तो हो जाओ, बट हाँ मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, GLAMG2023 ममार्थ की वेबसाइट पे और ममार्थ की ऐप से फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। वेलकम बैक गाइस। तो अभी तक मैं आपको दे रही थी शॉर्ट मेरा OOTD का कि मैंने क्या पहना है यार। सो एज यू कैन सी मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, ब्लैक बेल्ट लगाई है, इयररिंग्स मैंने ब्लैक पहने हैं सो दैट यू नो कॉन्ट्रास्ट रहता है, और साथ ही में बूट्स पहने हैं, ये बूट्स मुझे बहुत पसंद है। फाइनली व्लॉग शेयर कर रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने और उसके बाद हम जाएंगे पार्टी करने। तो आज बहुत ज्यादा ना पार्टी शार्टी का मूड है, तो सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, बाल मैंने सोचा ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि मुझे ऐसे बाल ही बहुत पसंद है, या फ्रेंकली स्पीकिंग हेयर स्टाइल तो मुझे शायद आते ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। बाद में मैंने क्लचर उठा लिया, अगर मन किया तो बालों को थोड़ा बहुत टाई कर लूंगी। बस मैं रेडी हो गई हूँ, निकलने वाली हूँ। कैब मैंने बुक कर दिया, एज यूजुअल कैब आ रही है, तो होने वाली है बहुत ज्यादा पार्टी धमाल, क्योंकि जिस फ्रेंड से मिलने वाली हूँ ना वो मेरी बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है मेरी, और हम मिल रहे हैं काफी दिनों के बाद। मतलब ऐसे फोन वोन पे बातें होती रहती हैं, बट जो होता है ना एक गेट टुगेदर, एक मिलना, खूब सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताना, तो वो आज होने वाला है काफी टाइम बाद। सो लेट्स गो। कैसी हो? बढ़िया। लॉन्ग टाइम डार्लिंग। सी व्हाट आई गॉट फॉर यू। देना मुझे चाहिए, अगले हफ्ते आपका बर्थडे है। अरे दो टांटड़े के चक्कर में। हाँ, मेकअप प्रोडक्ट्स। That is what I was asking for her for a long time. Oh, is it so? Foundation जो नहीं था। इसीलिए लाई हूँ। And this is lipstick. See, my friend bought me so many things, and what is this? Serum. This is a hydrating serum. This is glow serum. Skin glow serum. Yeah, darling. ये तो बहुत needed था, मेरे पास था नहीं। Only BB cream I have और वो भी खत्म। देखो ये लाई हूँ। तुम्हारा मेकअप करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मेकअप करने की। ये वाला ग्लिटर भी लाई हूँ, आई ठंडा वाला। कम जोशु। Okay, me and mummy are going. Bye. Bye. हाँ, what Joshua is eating? Badam and cashew. What auntie is eating? What is this? Snacks. What is that book? Which book? Read. What is your name? In which school you are studying? Which standard? Sixth standard. Sixth. Oh my God, sixth standard, Joshu. You want water? You want water? No. I want water. Okay, bring water. I want water. Give me water. You come. Where is water? Here. How you will take water? You only take. Where is glass? Okay. Joshua. Clack, 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 clack. Clack, 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 clack. Playing say story. Story? Oh. Take water? Thank you. Welcome. You where? Huh? Which song? Rara Rakama. No, that song. Huh, that song. Okay, play that song. Rara. You know dance, Joshua? You, huh? Dance? Joshua loves Hindi, English, Telugu or Kannada. What happened to TV? What happened to TV? TV on that? Hmm. What is there in that book? Wait, Auntie, come. My toy is there. Toy box. Overload. Yeah? Overload truck. Vroom. Right. Vroom, 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 vroom. You are calculating. Finish your truck. Okay, thank you. Fuel? Tank full. Yes, sir. Oh my God. Come, we'll go out stations. We'll go to Chennai. Chennai? Come sit here. Here sit. Oh, you sit here. Car, let's go. Ah, okay, we'll go in different cars. Come. Zoom. Vroom. Yay! That goes to Dubai. My car is which is Dubai? Dubai car? That? Which? Where is Dubai car? You have been to Dubai? Yeah, oh, Dubai car. Give me Dubai car. I will go in Dubai car. You take this truck. Let's run. Where to run? He said, I go run more. Okay. Go and come fast. 1, 2, 3. Come fast, Joshua. Wow. Me? I can't run, Joshua. What is this happening, huh? I'm capturing everything. Joshua, Telugu movie. We are going to doctor. And the doctor, she's not feeling well, so we are going to doctor. कैसा लग रहा है ना साड़ी पहन पर नेक्स्ट स्टेज तो अच्छी दिखती है यार साड़ी में यार बोल लो व्हाट डिड आई से वेयर आर वी गोइंग डॉक्टर क्या चलाएंगे ऐसा ना से कपड़े पहन के डॉक्टर के पास जा रहे हो कैसे झूठ बोल रहे हो यार हमारा डॉक्टर थोड़ा मॉडर्न ये लगाओगी कोई और बेबी क्रीम लगाओगी बेबी क्रीम लगा लो देखो योर विश इतनी आदत नहीं है फाउंडेशन की शूटिंग इज गोइंग ऑन टेलीविजन यू विल कम ऑन टीवी बिग स्क्रीन टीवी स्मॉल लगा बिग टीवी इज सेइंग चुम्मा इज सेइंग चुम्मा और मम्मी वेयर इज योर मम्मी Baby, if you shake, no, I'll kick you. Then we can't do Telugu movie. अब ये लगा तू? मैं तो भाई पहले एक ही लगा देती है, अब दूसरी लगा देती हूँ। क्या होता है ना जब आपकी स्किन पे कुछ सेट हो जाता है, तो हो जाता है। और जब आप लर्न कर रहे होते हो, तो अलग बात है। कितना लगाया आपने? मेरे को क्या होता है ना ड्राई स्किन पैची हो जाती है मेरा पैची लग रहा है और मेरा तो ये प्लम बिल्कुल स्टिकी नहीं है वीडियो बना रही कहाँ अटक गया अच्छा लग रहा है ना रेड हो रहा है ट्रैवलिंग वेयर वी आर हेडिंग वी आर गोइंग टू ब्लू रॉक फ्यूजन डॉक्टर हाँ, kind of. आपको दान में। आई थी घर पे तब हम मिले थे, याद है? मे बी 4 महीने हो गए, आराम से हो गए। मे बी अक्टूबर होगा, ऐसा है क्या? हाँ, सितंबर अक्टूबर। आई थिंक मेरे दुबई की ट्रिप से पहले आई थी। हाँ, अगस्त। हाँ, अगस्त में आई थी तुम वापस। जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने होने को आए हैं। और वैसे हम सिर्फ फोन पे बात। और ये बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी मनेगा आज, ऐसा है ना? गर्ल्स बर्थडे नाइट मान सकते हैं।